गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब? बढ़िया है ना? ओके, घर बैठे उपासना विद्यालय के छोटे छोटे फूल मुरझा तो नहीं गए ना? हाँ, वेरी गुड, मुरझाना भी नहीं है। घर बैठे भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन सा लेसन कंप्लीट किया था, चलो मुझे बताओ। वेरी गुड, हम लोगों ने एनिमल्स के हिंदी नाम सीखे थे ना। तो आज का हमारा लेसन है चैप्टर नंबर 11, तिरंगा झंड। पहले तो मैं तिरंगा का मतलब बता दी। ती यानी तीन, थ्री, और रंगा यानी रंग, यानी कि तीन रंग वाला झंडा। तो तीन रंग वाला झंडा यानी तिरंगा नाम है वो क्यों, किसका नाम है आप लोग देख सकते हो। क्या है ये? हमारा राष्ट्र ध्वज है ना। तो ये आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये राष्ट्र ध्वज है, उसका नाम है तिरंगा झंडा। इसके अंदर तीन रंगों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए हम इसको तिरंगा झंडा बोलते हैं। आपको पता है कि ये एक झंडे को लहराने के लिए, भारत देश में लहराने के लिए कितने सारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट की थी और हमारे भारत देश को आजाद कराया था, और वो कौन सी डेट थी? 15 अगस्त 1947, याद है ना सबको? तो उस दिन से हम लोग आजाद हुए थे, और इस ये वाला जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको लहराया गया था। तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज का हमारा लेसन है तिरंगा झंडा। तो हम पहले उसके शब्दार्थ देखेंगे। केसरी, केसरी यानी ऑफ सेफ्रन कलर। केसरी को आप लोग, जब आप लोगों को ये एग्जाम में आता है तो आप लोग ऑरेंज लिखते हो, तब वो गलत है। केसरी यानी सेफ्रन कलर। हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू। सान, प्राइड, सम्मान यानी रिस्पेक्ट। अब हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। यह किसका चित्र है? तो यह तिरंगे झंडे का चित्र है। तिरंगे झंडे यानी हमारा राष्ट्र ध्वज। तो ये है वो तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र यानी आजाद भारत का झंडा है। कैसे भारत, कौन से भारत का झंडा है? स्वतंत्र, यानी कि अब वो स्वतंत्र हो गया है, किसी के गुलामी के नीचे रहने वाला भारत देश नहीं है। तो ये आजाद भारत का झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। इसमें तीन रंग है। कितने रंग है? तीन रंग, 1 2 3। तो सबसे ऊपरी केसरी, बीच में सफेद, और सबसे नीचे हरा। ये केसरी, सफेद और हरा, ये तीन रंग राष्ट्र ध्वज के अंदर है। तीन रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि ती यानी तीन, रंगा यानी रंग, यानी कि जिसके अंदर तीन रंग है वो कौन सा है? हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। सफेद रंग के पट्टे में नीले रंग का एक चक्र है। नीले यानी ब्लू कलर का चक्र है। कितने उसके अंदर कितने वो होते हैं देख लो आप लोग, उसके आरे दिख रहे हो, कितने होते हैं? 24। उसे अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अशोक चक्र। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते है। सबको पता है इस बार हम लोगों ने 15 अगस्त को घर बैठे लहराया था ना। तो हम ये जो हमारे भारत के जो त्योहार होते हैं, त्योहार होते हैं, उस दिन हम लोग ये वाला जो तिरंगा है वो लहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, यानी कि वो हमारे प्राइड है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों, झंडे का सम्मान आप लोग कैसे करोगे कि जब भी आप लोग झंडे को देखो तब आप लोग एकदम से शांत से अपने भारत देश के झंडे को सलामी दोगे। कभी कभी हम जाते हैं तो रास्ते पे कहीं राष्ट्रध्वज नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं, तो हमारे भारत देश के राष्ट्रध्वज को ऐसे ही थोड़े नीचे हम फेंकेंगे, वो हमारे लिए सम्मान की बात नहीं होती है। तो हम उसको उठाएंगे और उसको हम योग्य जगह पे रखेंगे, उसको यहाँ वहां फेंकेंगे नहीं कि जिसके कारण भारत माता को अच्छा न लगे। तो हमें हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे झंडे का सही तरह से सम्मान करना है। अब से समझ में आ गया कि आपको अब राष्ट्र ध्वज का किस प्रकार से सम्मान करना है। वेरी गुड। वैसे तो मेरे बच्चे सभी होशियार है। तो अब आज हमारा लेसन तिरंगा झंडा था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब आप लोगों को ये वाली स्टोरी इसके तिरंगे झंडे के बारे में जो दिया गया है वो आप लोगों को घर पे फिर से रीड करने हैं और नीचे दी गई स्वाध्याय के अंदर जो ब्लैंक्स है वो भी कंप्लीट करनी है। तो हम ये वाला स्वाध्याय करते हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज में खाली जगह रंग है, दो या तीन, कितने रंग है? तीन। उसके बाद तिरंगे झंडे के बीच में खाली जगह रंग है, कौन सा रंग है? सफेद या केसरी? कौन सा है? सफेद। तिरंगा हमारे देश की शान या जान, क्या है? शान है। सफेद रंग के बीच में खाली जगह है, क्या है? सुदर्शन चक्र या अशोक चक्र? तो अशोक चक्र। तिरंगा खाली जगह देश का झंडा है, भारत का है या चीन का? हमारे देश का है ना, तो वो भारत देश का झंडा है। तो अब ये वाली आप लोगों को जो लेंग्स है वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है। ओके।